देखिए, जिस प्रकार देश की 140 करोड़ जनता इस लोकतंत्र में देश की चुनी गई सरकारों से प्रश्न करना चाहती है, और दुख है कि प्रधानमंत्री जी देश की 140 करोड़ जनता का प्रश्नों का जवाब न तो सदन में दे रहे हैं और न ही मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। तो देश की जनता के मन में ये प्रश्न है कि आखिर महंगाई कब कम होगा। जो देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों के साथ प्रधानमंत्री का संबंध, अडानी जी के साथ क्या संबंध है। देश की 140 करोड़ जनता यह जानना चाहती है कि जब जब आपका विदेश दौरा हुआ है उसके बाद अडानी जी को कहां कहां कितने ठेके मिले हैं। तो ये जो यक्ष प्रश्न देश की जनता का है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर सदन में नहीं देना चाहते, आप मीडिया के माध्यम से नहीं देना चाहते, तो कम से कम हम लोगों ने पोस्टकार्ड के माध्यम से यह प्रश्न किया है और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी पोस्टकार्ड के माध्यम से भी देश की जनता को कम से कम इन प्रश्नों का जवाब दे दें ताकि देश की जनता संतुष्ट हो जाए। तो आज देखिए, ये पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में से लोगों ने प्रधानमंत्री जी को पोस्टकार्ड भेज के इन प्रश्नों का जवाब मांग रही है, और झारखंड राज्य से भी कम से कम अभी तक लाखों पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री जी से इन प्रश्नों का जवाब के लिए चला गया है और आज जा भी रहा है, और राज्य की 3.5 करोड़ जनता भी इस प्रश्नों का जवाब चाहती है। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी पोस्टकार्ड के माध्यम से ये जवाब दे दे तो उचित रहेगा। संसद में ये सवाल उठाए हैं, तब से देश की राजनीति से आप वाकिफ हैं, किस तरह की कार्रवाई बदले की भावना से हुई है, और हम लोग उसके बाद जब राहुल गांधी के केस पर फैसला होता है, उनकी सदस्यता छीन ली जाती है, तो उसके बाद हम सत्याग्रह यात्रा में निकले हैं। सत्याग्रह सभा जगह जगह करके हम इन बातों को ले जाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बार बार सवाल कर रहे हैं, कल भी उन्होंने सवाल किया, और वो आप लोग आप पत्रकारों के माध्यम से है ना सरकार से बार बार सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी कब तक खामोश रहेंगे, आखिर जवाब क्यों नहीं देते हैं कि वो 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी जी के सेल कंपनियों में आया वो किसका है। उसी तरह हम लोगों ने जो सवाल देश की जनता से जुड़ा हुआ है हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम विपक्ष के हैं, विपक्ष के दल हैं, हमारा नैतिक धर्म है कि हम सवाल पूछें सरकार से, और उस धर्म के नाते हम सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, और ये देश की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। हमने पोस्टकार्ड के माध्यम से सवाल किया है, हम विश्वास करते हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दे, आखिर मीडिया से भी रूबरू नहीं होते हैं, सदन में भी जवाब नहीं देते हैं, तो आखिर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं। तो हमारा सीधा सा सवाल है, ये प्रयास है कि हम हर वो माध्यम अपना रहे हैं जिसके माध्यम से जनता के सवालों का जवाब मिल सके। ये लोकतंत्र हमारा देश है और लोकतंत्र में हम रहते हैं। आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्तागण पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री से 5 सवाल हम लोग कर रहे हैं। विगत दिनों आप लोग देखे होंगे कि संसद में जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने सवाल किया था और उसका जवाब नहीं मिला, और जिस प्रकार से सवाल पूछने पर जो कार्रवाई की गई और उसे पूरे हमारे कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं समय समय पे अभी जो विरोध में जो प्रोग्राम चल रहा है, मसाल जुलूस हो या पदयात्रा हो या सत्याग्रह कार्यक्रम हो, आज पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपका अडानी से रिश्ता क्या है, अडानी जी को आपने कितना करोड़ ऋण दिया, और अडानी जी को अपने बचाने के लिए आप क्यों जेपीसी का गठन आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जेपीसी का गठन इसके माध्यम से आप जो सवाल हम लोग करना चाहते हैं उससे जो लोकतंत्र की में जो सारी जनता है वो जानना चाह रही है। बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, ये तमाम चीज़ों को वो सांसद में भी वो जवाब नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनको भेज रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप जवाब दें इन 5 सवालों का, और मुझे हक है ये सवाल जानने का। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।